गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। होप करता हूँ सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, फिट हो गए। तो यार वीडियो कई दिनों से नहीं आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, कुछ इमरजेंसी काम थे जिसकी वजह से थोड़ा सा फंसा हुआ था घर में, और थोड़े से बहुत ज़रूरी काम थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और डाल भी नहीं पा रहा था। बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे लेट अपडेट हुआ होगा, लेट शेड्यूल्ड हुआ होगा, उनके पीछे भी मेरा ही हाथ है, उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और वीडियोज़ अब आएंगे कंटिन्यू, अगर कोशिश करता हूँ कि जितने बन सके बनाऊँगा ज़रूर, क्योंकि अभी भी थोड़े से काम पूरे नहीं हुए हैं। थोड़ी सी घर में पेरेंटिंग में थोड़ी सी मदर की तबीयत नहीं सही थी, उस वजह से थोड़ा सा और बिजी थे। तो चीज़ें फिर सारी चीज़ें ट्रैक पे ले आएंगे, फिर सारी चीज़ें वापस लाएंगे, सारी चीज़ों में लगेंगे। तो फिलहाल फटाफट आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और घर पे ही है अभी, क्योंकि अभी तक मम्मी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई है। तो प्लीज़ प्रे फॉर, एंड इसके साथ साथ फटाफट चलते हैं, निकलते हैं, तैयार होते हैं और दिखाते हैं कि और आज हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स गो। तो हाँ जी भाई, लोग निकल चुके हैं बाहर और जा रहे हैं मार्केट सुबह सुबह, थोड़ा सा काम है मार्केट में उसको करने के लिए। और ठंड भाई साहब, नॉर्थ इंडिया में क्या ही पूछना, मनाली शिमला और नॉर्थ इंडिया सब बराबर कर दिया गया है बराबर। हाँ भाई, ये सब थोड़ा सा हालात हैं और ठंड बेकदर है, एकदम सिंगल डिजिट में चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 degrees है आज हमारे यहाँ। तो देखते हैं इस ठंड में भी घूमने का मजा ले रहे हैं, फटाफट चलते हैं मार्केट। ये आ गए हम लोग चाय पीने, हमारे साथ हैं ब्रजेश भाई, ये देखो छुप रहा है। हाँ तो भाई, राम जन्मभूमि जिसका इतना बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था, वो इंतज़ार घड़ी ख़त्म हो गया और आज वो फाइनली वक्त हो गया है, वो सारी चीज़ें संपन्न हो चुकी हैं और लोग अपने अपने तरीके से पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शहर में हर्षोल्लास का माहौल है, चारों तरफ लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे शहर को भगवा रंग में रंग दिया गया है, राम रंग में रंग गया है पूरा शहर, हर तरफ पूजा पाठ, शंखनाद, कीर्तन, इन्हीं सब चीज़ों का माहौल है। ठंडी भी अपने चरम पे है और लोग आज पूरी तरह से दिवाली मना रहे हैं, चारों तरफ जिस तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं कर सकते हैं। और इधर देखिए थोड़ा मंचन हो रहा है रंगमंच का, और कुछ नृत्य और वो प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ तो भैया, ये जो हमारा घाट है, आपने छठ पूजा में ज़रूर देखा होगा, और आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। ये घाट फाइनली पूरा हो चुका है और आज इसकी ओपनिंग हो गई है। ये हमारे खूबसूरत से जिले का और हमारे घर के जस्ट बगल का खूबसूरत सा घाट, बहुत सारे लोग आ जाए हुए हैं पूरे घाट को खूबसूरती से देखने के लिए। ओह, व्यू दिखाता हूँ आपको नीचे से, तैयारी हो रही है, दूल्हा ढाला जा रहा है, हवन पूजन वहाँ हो रहा है, और अभी संध्या आरती होगी उसकी तैयारी हो रही है। पूरा दूल्हा जा रहा है, रंगोलियाँ सजाई जा रही हैं, इसको भी दिखाइए। और ये घाट बना नहीं और लोग बर्बाद करने आ चुके हैं। जो भी है भैया, प्लीज़ निवेदन है कि हाँ, खूबसूरत इस धरोहर को ख़राब ना किया जाए, बहुत मेहनत से, बड़ी मिन्नतों से और काफ़ी दिनों के बाद बनता है। और आपको खूबसूरती दिखाते हैं कि दो दो साइड से इसमें रास्ते दिए गए हैं, और बढ़िया चुनार के पत्थरों से, और सारी यूटिलिटीज़ हैं जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बनी हैं। स्नान घर दिया गया है, ये छोटा सा आपका ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए, यहाँ ये बिजली घर है, सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए डस्टबिन रखी गई है साफ़ सफाई के तहत मद्देनज़र रखते हुए, ये खूबसूरत सा डोम स्टाइल बनाया गया है। यहाँ पे खड़े होकर भी आप पूरे घाट का नज़ारा ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, देखिए घाट। और भी आपको नीचे से भी दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ साफ सुथरी तरीके से ये वुमेन चेंजिंग रूम दिया गया है, आप आराम से नहा धो के आएँ और ऊपर आके थोड़ा सा कुछ सीढ़ी चढ़कर बढ़िया यहाँ पे कपड़ा चेंज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत घाट को बना दिया गया है, इतना उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्ट से, और यहाँ पे खूब खूबसूरती घास वगैरह लगेंगे, अभी पेड़ पौधे बन रहा है। इधर पीने का पानी और इधर जेंट्स टॉयलेट, इधर लेडीज टॉयलेट, सारी यूटिलिटी खूबसूरत से नज़ारों के साथ। ये हमारा डोम, इसको भी दिखाइए। और ये तो भाई इंडिया है, ये तो सुधर नहीं सकते लोग,
थोड़ा सा सुधर जाए तो कितनी खूबसूरत सी बात हो जाए। ये पूरा सामने आगे पूरे हमारी माँ जननी गंगा माता, बहुत ही खूबसूरत। देखिए अभी वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं गंगा आरती की, पूरा घाट को धुल दिया गया है और सभी लग गए हैं, खूबसूरत सी रंगोली वगैरह बन रही है। तो देखिए भैया ये ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा था, ये नीचे जय श्री राम पूरा घी के दिए से बनाया गया है और यहाँ भी लिखा जा रहा है, लड़के लगे हुए हैं सब। बहुत ही खूबसूरत कार्यभार हो रहा है और थोड़ा सा आपको खूबसूरती का नज़ारा दिखाते हैं आपको घाट इस साइड से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही विशाल, बहुत सारा खूबसूरत। फाइनली घाट का उद्घाटन हो गया। हाँ तो भाई यार फाइनली यार आज हमारे घाट का उद्घाटन हो ही गया और घाट पूरी तरह से कंप्लीट और सुसज्जित हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही टेबल क्लास टॉप। देखिए आप गजब का काम। और आप लोग को इस शाम के खूबसूरत से दीप महोत्सव वाले नज़ारों के साथ छोड़ रहा हूँ, थोड़े बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इस हो रहे पूरे खूबसूरत से मूवमेंट को कैप्चर कर पाया हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। मार्केट का हाल देखिए कि जिस तरीके का खूबसूरत से नज़ारे चारों तरफ पूरे शहर भर में फैले हुए हैं, लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको जो भी तरीका पसंद आ रहा है वो उस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। हर इंसान पूरी तरह से एक महोत्सव का माहौल है, एक खूबसूरत से शाम के साथ एक अलग ही लेवल की फील है, वाइब है पूरे शहर भर में। इंजॉय द मोमेंट और उसके साथ फिर अपने काम में आगे बढ़ेंगे लोग, क्योंकि इस दिन का लोगों को बहुत सारे बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये हमारे ज़िले का जो खूबसूरत सा घंटा घर है, ये वहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा है। काफ़ी ज़्यादा शोरगुल और बहुत सारा हर्षोल्लास लोगों के बीच में, लोग झंडे उंडे लेकर रोड पे आ गए हैं, तो जैसे जो जैसे पा रहा है वैसे सेलिब्रेट कर रहा है। और ये खूबसूरत सा हमारा घंटा घर जिसको तिरंगे में पूरी तरह से रंगमय कर दिया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लाइट्स और बिजलियों के बीच में। और खूबसूरत से पूरे शहर भर को इतनी बखूबी तरीके से सजाया गया है, लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी कुछ इन्हीं मूवमेंट के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए आपको लोगों को मिलूंगा कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना, और अपने जिन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, जिनको अपने घरों का फील देना चाहते हो, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलो बाय बाय आप सभी को मेरे तरफ से वन एंड लास्ट टाइम, जय श्री राम। चलिए फटाफट बाय।